नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज जो आपको रेसिपी मिलेगी, ये भी एक रिक्वेस्टेड ही है। ये रिक्वेस्ट है मधु बेरीवाल और आकांक्षा डाबरा की। उन्होंने बोला कि मैम आप स्वीट कॉर्न सूप बनाकर बताइए। तो चलिए, सर्दियों में सब्जियां भी आती हैं और स्वीट कॉर्न तो हर मौसम में मिल ही जाते हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको कि स्वीट कॉर्न सूप कैसे बनाया जाता है और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें चाहिए स्वीट कॉर्न। आप फ्रोजन ले सकते हैं या फ्रेश स्वीट कॉर्न जो आते हैं वो भी ले सकते हैं। फिर उसके लिए हमें चाहिए सब्जियां। सब्जियां आप डाल भी सकते हो, नहीं भी, ये टोटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि अगर आपको सूप में सब्जियां खाना पसंद है तो डालें, वरना आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। मैंने ये गाजर लिया, इसको मैंने चॉप कर लिया। आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट सकते हैं। और ये लिए मैंने फ्रास्ट बीन, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने एक कटोरी स्वीट कॉर्न अलग लिए हैं, आधी कटोरी स्वीट कॉर्न मैंने अलग लिए हैं। इन्हें सूप में डालेंगे और इसको हम मिक्सर जार में डालकर पीसेंगे। तो ये स्वीट कॉर्न है, इन्हें मिक्सर जार में डालूंगी। फिर इसके अंदर डालूंगी आधी कटोरी पानी। तो इसको हम पीस लेंगे। तो स्वीट कॉर्न को मैंने पीस लिया है, इसको बिल्कुल बारीक पीसा है। तो चलिए अब सूप बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके पैन या कढ़ाई रखेंगे, जिसमें भी आपको स्वीट कॉर्न बनाना है आप वो ही रखें। फिर पैन में डालेंगे बटर, क्योंकि जब स्वीट कॉर्न सूप बना रहे हैं और अगर उसके अंदर बटर ना डले तो जो स्वीट कॉर्न का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। तो स्वीट कॉर्न और जो बटर है उनका जो टेस्ट दोनों मिलकर आएगा तो वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं डाल दूंगी बटर। फिर मैं इसमें डालूंगी गाजर और फ्रास्ट बीन। सब्जियां आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं या आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे स्वीट कॉर्न। फिर इसे 2 से 3 मिनट तक ही भूनेंगे, क्योंकि हमें जो सब्जियां हैं इसको पकाना नहीं है। आप इसके अंदर सब्जियां और भी डाल सकते हो, जैसे आपको मशरूम पसंद है या और भी कोई सब्जी आपको सूप में पसंद है तो आप वो सब्जी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसके अंदर डाल देंगे 2 गिलास पानी। तो 2 गिलास पानी में जो सूप बनेगा वो आप 3 लोगों के लिए काफ़ी है। फिर इसके अंदर डाल देंगे जो स्वीट कॉर्न हमने पीसे थे। अब इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है, ताकि जो स्वीट कॉर्न है वो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। नहीं तो अगर आपको स्वीट कॉर्न को डायरेक्ट बटर के अंदर नहीं डालना तो उससे पहले आप उसको थोड़े से गर्म पानी में डालकर रख दें, उसके बाद आप बटर में डालेंगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा और आपको जो सूप है उसे ज़्यादा उबालना भी नहीं पड़ेगा। तो इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो झाग आ गया है ये स्वीट कॉर्न के हैं। जो स्वीट कॉर्न के ऊपर का छिलका होता है वो ऊपर आ जाता है, तो इस झाग को आप निकाल दें। तो ये देखिए, जो इसके ऊपर जो स्वीट कॉर्न का झाग आया था, जो छिलके से थे, वो मैंने निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे नमक, नमक डालेंगे आप अपने स्वाद के अनुसार। फिर डालेंगे इसके अंदर चीनी, क्योंकि स्वीट कॉर्न का जो सूप होता है वो हल्का सा मीठा होता है तो उसके अंदर चीनी भी ज़रूर डाली जाती है। फिर डालेंगे काली मिर्च, आप इसे छोड़ भी सकते हो अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो। अगर आपको इसके अंदर नमक या जो चीनी कुछ कम लग रही है तो आप इसको टेस्ट करके उसके ऊपर दोबारा से डाल सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये काफ़ी पतली है। फिर इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर, मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। एक बार 1 चम्मच डालूंगी पानी में घोलकर, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इसके अंदर और डालूंगी। तो मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। फिर इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके सूप में डालूंगी। तो जो बाकी का बचा हुआ है वो भी मैं डाल देती हूँ, लेकिन हमें इसे मिक्स करके डालना होगा, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे बैठ जाता है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए फिर उबालना है। तो ये देखिए, जो ये सूप है ये गाढ़ा हो गया है। अगर आपको इससे भी गाढ़ा पीना है या इससे पतला पीना है तो आप कॉर्नफ्लोर कम डालें, अगर गाढ़ा पीना है तो आप इसको थोड़ा सा और पका लें या थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल दें। फिर इसको अच्छा सा और टेस्ट देने के लिए इसके ऊपर से आप थोड़ा सा और बटर भी डाल सकते हैं जब ये उबल रहा हो। तो जब आप इसको
बाद में भी थोड़ा सा बटर डालेंगे, तो उसके बाद आपको इसे ज़्यादा उबालना नहीं है। बटर डालने के मुश्किल से एक मिनट के बाद आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है, तो आप देखेंगे कि जो इसके अंदर बटर और कॉर्नफ्लोर का टेस्ट आएगा वो बहुत ही लाजवाब आएगा। तो अब ये सूप बनकर तैयार है, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया। तो लीजिए, अब ये स्वीट कॉर्न सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप कभी भी बनाकर पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप घर में बनाएंगे, अपने हाथों से बनाकर पियेंगे, तो आपको पता होगा कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ डाली है, और ये हेल्दी भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अपने सुझाव हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देते रहें और बताते रहें कि आगे आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।